हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मिस्टीरियस और हॉरर के ड्रामा जिसका नाम है द मिस्टीरियस क्लास। इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स और कोई नहीं ट्रेजर के पॉप ग्रुप के मेंबर्स ही हैं। इस ड्रामा में वो सब हाई स्कूल स्टूडेंट्स का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देती हूँ। ट्रेजर ग्रुप में 12 मेंबर्स है, ओल्डेस्ट से यंगेस्ट मेंबर के ऑर्डर में बताने वाली हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर ह्यूनसुक, जिसे पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। सेकंड कैरेक्टर जीहून, जो क्लास में प्रैंक करता है। थर्ड कैरेक्टर है योशी, जो शांत स्वभाव का है और वो अपने कार्ड से दूसरों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। फोर्थ कैरेक्टर है जोनक्यो, जो बहुत ही क्यूट है। फिफ्थ कैरेक्टर माशी हो, जो अपने हाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। सिक्स्थ कैरेक्टर जेयुक, जो क्लास का टॉपर है। सेवन्थ कैरेक्टर है असाही, जिसके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। एट कैरेक्टर है येदम, जो फ्यूचर में सिंगर बनना चाहता है। नाइन्थ कैरेक्टर दोयुंग, जो एक रिस्पॉन्सिबल क्लास प्रेसिडेंट है और वो पढ़ाई में टॉपर को हराना चाहता है। टेंथ कैरेक्टर है हारुटो, वो एक काइंड लड़का है जो अपने फ्रेंड्स की केयर करता है। इलेवेंथ कैरेक्टर जंगवू, जो अपने आप को सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाता है पर किसी मुसीबत में सबसे पहले वही डरता है। ट्वेल्थ कैरेक्टर है जंगवान, जो यूट्यूब में व्लॉगिंग करता है। एपिसोड की शुरुआत में होमरूम टीचर को देखते हैं जो रात में अपना काम कर रहे होते हैं। तभी लाइट चली जाती है और आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर वो बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास के वो 12 बच्चे भूत को बुला रहे थे। यहाँ ह्यूनसुक और येदम एक स्पिरिट को बुलाने के लिए रिचुअल कर रहे थे। वहाँ जोर से बिजली गिरने लगती है। जब वो सब डर के नीचे जा रहे थे तो वो अपने होमरूम टीचर को बेहोश पाते हैं। नेक्स्ट डे जंगवान अपनी व्लॉगिंग में अपने क्लासमेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था। वहीं दोयुंग बेहोश हुए होमरूम टीचर को कॉल करता है। क्लास में येदम अपने सॉन्ग को सुन रहा था, तभी उसे अपने गाने में डिस्टरबेंस सुनाई देती है। तभी दोयुंग आकर अनाउंस करता है कि होमरूम टीचर 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो लेगा। फिर कुछ देर बाद जोनक्यू अपने क्लासमेट्स के लिए दूध लेने जाता है। जब वो 21 दूध की बोतल ले रहा था और अपने बॉक्स में डालता है तो सर उसे डांट कर पूछते हैं, तुम्हारी क्लास में तो 20 ही बच्चे हैं तो तुम 21 क्यों ले रहे हो? तब जोनक्यू कन्फ्यूज होकर खुद से ही पूछता है, क्या हमारी क्लास में सिर्फ 20 ही बच्चे हैं? फिर वो सिर्फ 20 ही दूध की बोतल लेता है। फिर सब लोग लंच कर रहे थे और जंगवान अपनी व्लॉगिंग कर रहा था। वहीं येदम अपने सॉन्ग में आई हुई डिस्टर्बेंस के कारण परेशान था। फिर सब बच्चे लंच करके चले जाते हैं। फिर सभी बॉयज दूसरी क्लास के साथ फुटबॉल खेलने लगते हैं। तभी जयुक यानी क्लास का टॉपर वहां से चला जाता है और वो उनसे कहता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी 11 मेंबर्स हो। फिर गेम में हारने की वजह से दूसरी क्लास के बॉयज़ जंगवू और दोयंग को जूस गिफ्ट करते हैं और दूसरी क्लास के बॉयज़ कहते हैं कि हमें लगा था आज हम ही जीतेंगे क्योंकि तुम 10 ही प्लेयर थे। फिर जंगवू जंगवान से पूछता है कि गेम के बीच में कोई प्लेयर चला गया था क्या? तब जंगवान बताता है, नहीं, बल्कि असाही, जिसे फुटबॉल पसंद नहीं, उसने भी फुटबॉल खेला था। तभी वहां माशियो आकर जोनक्यू से दूध की बोतल के बारे में पूछता है क्योंकि एक्सेप्ट उसके सभी को दूध की बोतल मिली थी। फिर वो अपने क्लासमेट को काउंट करता है तो वो 21 थे। फिर वो अपने क्लासमेट्स की अटेंडेंस बुक देखता है, उसमें भी 21 मेंबर का नाम था। तभी ह्यूनसुक बोलता है, अगर हमारी क्लास में 20 ही स्टूडेंट्स हुए तो? तब दोयुंग ये सुन के कुछ याद करता है और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो उनके स्टाफ रूम में ये लिखा हुआ देखता है कि थर्ड क्लास के फोर्थ सेक्शन में 20 ही स्टूडेंट है, यानी कि उनकी क्लास में। फिर वो रात को भूत बुलाने वाली बात को याद करता है। उसके बाद वो क्लास में अनाउंस करता है कि हमारी क्लास में ऑफिशियली 20 स्टूडेंट होने चाहिए थे, पर हमारी क्लास में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है जिसे सिर्फ हम और हमारे होमरूम टीचर ही देख सकते हैं, और कल वो हमारे साथ फुटबॉल टीम में भी था जिसे दूसरी क्लास वाले देख नहीं पाए। शायद हम में से कोई एक भूत है। उसी समय येदम को अपने गाने में एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और वो डर के अपने हेडफोन्स फेंक देता है। उसे देख के सब लोग भी डर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ। ये सच में कोई भूत है या फिर किसी का प्रैंक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।